जानकारी दे दें कि इस समय मौजूद हैं नगर निगम जगाधरी में, जहां पर जानकारी ये मिल पाई है कि अभी अभी सीएम फ्लाइंग की जो टीमें हैं वो अंदर गश्त करने के लिए गई हैं। जानकारी में निकल कर आता है कि अधिकारी जो हैं कैमरे के दूरी बनाकर जरूर रखते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं अंदर से पता चल पा रही हैं वो बातें इस प्रकार की बताया जा रहा है कि चार कॉलोनियाँ, जी हाँ, डिम्पल सिनेमा के पास एक कॉलोनी है, वो कहीं ना कहीं अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उसको लेकर नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके बाद एक डिम्पल सिनेमा के बाद बुढ़िया रोड पर एक कॉलोनी है जिसको कहीं ना कहीं मकान मालिक को तोड़ने के लिए आदेश जो है नगर निगम ने पहुंचाने का काम किया। वहीं कुछ कर्मचारी जो है नदारद पाए गए हैं। आम आदमी की शिकायतों पर जो है सीएम फ्लाइंग ने आज सुबह गश्त करते हुए ये जानकारी दी थी कि किस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं काम से नदारद पाए गए थे। उसमें एक दो सफाई कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं और एक दो जो है लेवल के कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं नदारद पाए गए थे। और तमाम प्रॉपर्टीज आईडी की सर्वे को लेकर सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय हरियाणा में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें गलत सर्वे के चलते जो लोग हैं सुबह से कतारों में खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। सीएम फ्लाइंग की बात करें तो उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिल पाई थी कि किस तरीके से अनियमितताओं के चलते जो है कहीं लोग जो है यहाँ पर परेशान होकर आते हैं और मोटी रकम वसूलने का काम किया करते हैं। तो आम आदमी की समस्याओं को लेते हुए सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर दबिश दी और दबिश के साथ साथ जानकारी दे दें कि नगर निगम यमुना नगर में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों को बताते हुए एडवोकेट साई सिंह गुर्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। ये बातचीत करने का प्रयास करते हैं पूरा क्या कुछ उनका मामला है इस पूरी रेड को लेकर। क्या सीएम फ्लाइंग ने जगाधरी में रेड करी है, बताया जा रहा अनियमितता कॉलोनी है, प्रॉपर्टी आईडी की तमाम समस्याएं हैं और कुछ जो अधिकारी हैं अनियमित पाए गए हैं और बेवजह लोगों को तंग करते हुए पाए गए जिन पर नकेल कसेगी। क्या ये रेड सिर्फ एकमात्र दिखावा है या फिर इस पर कोई एक्शन भी होगा? देखिए भाई साहब, बताना चाहूँगा मैं कि काफ़ी लोगों की शिकायतों के बाद और हमने भी धरना प्रदर्शन किए थे, उसके बाद आज सुनने को मिला यहाँ सीएम रेड या सीएम फ्लाइंग आई है जाँच करने के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा, क्या ये वैसी फॉर्मेलिटी है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही पहले भी कई बार पड़ चुकी, अगर ये खाली हाथ गए वापस आए फिर तो ये कुछ करने वाले नहीं है, मिले हुए हैं। यदि कुछ कार्रवाई करेंगे तो सही रेड पड़ी है, नहीं तो हम मुख्यमंत्री खट्टर साहब हम मान लेंगे कि जो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया गया उसका हिसाब लेने के लिए आए थे, कितना हिसाब यहाँ इकट्ठा किया गया दो नंबर पर, कितना वहाँ नहीं गया, फिर हम ये कहेंगे कि सीएम साहब आप ईमानदार नहीं हो। खाना पूर्ति नहीं लगती इस तरह की रेड्स, क्योंकि सीएम साहब का अपना ही विभाग है, कमल गुप्ता का अपना ही विभाग है, याशी कंपनी है, उसके कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार हैं वो मंत्रियों के साथ साजगाट करते नजर आते हैं और अब 57 करोड़ रुपए का जो याशी कंपनी को पेमेंट कर दी गई थी उसका सरकार जो है वायदा रद्द करने जा रही, क्या कुछ कहना? देखिए, इन झूठे लोगों का, इन बेईमान लोगों की पोल खुल चुकी है। याशी कंपनी का हर व्यक्ति को पता चल चुका है कि पूरे हरियाणा का ठेका सर्वे का याशी कंपनी को, उनकी अपनी कंपनी थी भाजपा के लोगों की, उसको दिया गया था। 90% सर्वे गलत हुआ, वहाँ पर लोगों का क्या कसूर? दुकान उसको किराएदार को मालिक बना दिया, 150 को 200 दिखा दिया, किसी को कुछ दिखा दिया, लोगों का कसूर नहीं। आज पोल खुल चुकी है और उसको 57 करोड़ रुपया भी उसके बावजूद दिया गया कि ये पता लग गया था ये गलत सर्वे हुआ है, ये लोग मिले हुए हैं। आप आज हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं साहिब जी, किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स लेकर? मैं इसलिए लेके आया हूँ जो सीएम फ्लाइंग अंदर बैठी हुई है जाँच कर रही है, यदि वो खाली हाथ लौट दी है, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा और मैसेज देना चाहूंगा सीएम फ्लाइंग को और सरकार को भी कि यदि खाली आ जाती है यहाँ से तो मेरे पास प्रूफ है, ऐसे 10-12 प्रूफ है जो मौके पर ले जाकर दिखाऊंगा। जो हेरा फेरी और धोखे दड़ी और घोटालेबाजी हुई है, एक तो मैंने कल दिखाया था कि एक अवैध कॉलोनियों में सरकारी माल का दुरुपयोग किया गया, और जिसके प्रूफ ले रहा हूं मैं, जिसके प्रूफ ले रहा हूं, ये एक पार्क का प्रूफ है सेक्टर 17 में, उस पार्क को कागजों में बना दिया गया है और कंप्लीट हो गया है, पेमेंट रिलीज हो गई है, ठेकेदार का नाम भी है, उस कंपनी का नाम भी है किसको ठेका दिया था, ये प्रूफ की डिटेल भी मैं इनको देने के लिए ले रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि यदि आपको कुछ नहीं मिले फाइलों के अंदर से या सरकार का इशारा होता है, यदि आप कहते हो जी ये लोग ईमानदार हैं तो मैं 10-12 प्रूफ देने के लिए। अफसर हैं सीएम फ्लाइंग के, वो कैमरे पर आने से कतरा रहे हैं, वो बातचीत नहीं करना चाहते मीडिया से, क्या कुछ है इस चीज को, मतलब ये कैमरे पर आकर बताने में क्या आपका तकलीफ है? वो भी डिजिटल मीडिया को, टीवी वालों को नहीं मना करते, डिजिटल मीडिया के सामने बोलने से मना करते, क्या कुछ डर है इनके अंदर? इनके अंदर डर है भाई साहब। मैं मानता हूँ कि एक अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन डर इसलिए है कि पता नहीं मैसेज पीछे सरकार का क्या आ जाए। यहाँ घोटाले की फाइलें पड़ी हैं, उठा के चलेंगे तो शायद मैसेज आ जाए, लेकिन वहीं रख के आओ,
इसलिए इनके अंदर डर है और ये कैमरे के सामने नहीं, ये कमरे के अंदर बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा का यदि ईमानदार है, यदि सरकार ईमानदार है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करें। ये नरक निगम नहीं है, ये चोर निगम बन चुका है। ये चोरों के लोग इसमें अंदर बैठे हो, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, अरे यार किसी के असेसमेंट ठीक नहीं कर सकते आप, किसी की आईडी ठीक नहीं कर सकते आप। और आप कहा करते थे कि सिस्टम ठीक कर देंगे, काहे का सिस्टम ठीक कर देंगे बेवकूफ लोगों, तुम आईडी ठीक नहीं कर सकते, असेसमेंट ठीक नहीं कर सकते। कहा करते थे कि मजबूत भारत बनाएंगे, अरे बेवकूफ लोगों, तुमसे एक गटर का ढक्कन मजबूत नहीं बनता, इनकी पोल खुल चुकी है, यासी कंपनी के लोग खिलाफ कार्रवाई करें। और उसके बावजूद गलती इनकी लोगों की ठीक कराने के लिए 5,000 रुपए शुल्क क्यों दे एक व्यक्ति। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहाँ की जो जांच टीम आए ईमानदारी से जांच करे, यदि कुछ ना मिले उसके बाद 10-12 घोटाले के अप्रूव में देने का काम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फैमिली आईडी बरादरी में रहते हैं सर, मैं कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रॉपर्टी आईडीज को लेकर और तमाम चीजों को लेकर? ऐसा है, जब से ये आप ये देखिएगा 2012 में जो है ये नगर निगम बना था, उससे पहले नगर पालिका परिषद थी और उससे पहले नगर पालिका हुआ करती थी। आप ये देखिएगा 2012 में जब नगर निगम बना तो उसमें इन्होंने जो ये आईडी सिस्टम चालू करा था ठीक था, और जो आते आते 2020-21 तक आते आते खराब हो गया। जैसा कि अभी वरदान घोषित होना था लेकिन अभी साफ बन गया। उसके हजारों की भीड़ जो है लगी रहती है, पैसे भी मांगे जाते हैं आपके अधिकारियों के द्वारा, तभी सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी। क्या कुछ है सार्थक है चीज़ सही? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा अभी हरियाणा सरकार ने या पूरे देश के अंदर जो सरकारों ने ऑनलाइन सिस्टम करा जिसमें अटल सेवा केंद्र और सीएस सेंटर खोले गए, उसमें ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, उसमें इन्होंने फाइल के चार्जेस रख रखे, कोई 100 रुपए फाइल ले रहा, कोई 150 रुपए ले रहा। अब जब वो वहाँ अप्लाई हो गया, अप्लाई होने के बाद जब हम उसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ नगर निगम में आते हैं कि भाई वो हमने एप्लीकेंट किया था वो क्या रहा, तो आप ये देखिएगा कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जब इन्होंने सर्वे करा तो जो 4-5 प्रॉपर्टियां थी ना, मान लो दुकानें थी 10x20 की या 10x25 की, वो एक ही मालिक के नाम दर्ज कर दी इन्होंने। अब वो 10 तो थी, उसकी आईडी भी बनी हुई थी। अब जब वो एप्लीकेशन अलग अलग लोगों ने डाली तो जब यहाँ पे आगे पता किया तो आप यकीन नहीं मानने के उसके अंदर इतना घोटाला एटीपी के अंदर, जो इनका डिपार्टमेंट है उन्होंने उनको इसलिए चक्कर कटवा रहे कि भाई ये तुमने दुकानें बना कैसे ली। कुछ कहना चाहेंगे कि सीएम फ्लाइंग की रेड पड़े, कोई सार्थक नतीजा निकल कर आए? देखो जी, अगर ये सीएम फ्लाइंग अगर ऐसी, मैं कहता हूँ ये होनी चाहिए हर 2 महीने बाद होनी चाहिए, और अगर ये अच्छी सीएम फ्लाइंग है तो मैं समझता हूँ कि जरूर नतीजा निकलना चाहिए। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस समय नगर निगम यमुना जगाधरी में मौजूद थे, जहाँ पर जो है सीएम फ्लाइंग की रेड बताया जा रहा था, अनियमितताओं को लेकर कहीं ना कहीं रेड जो है और सीएम फ्लाइंग के तमाम अफसर जो है कैमरे से नदारत होते हुए नजर आते। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहे हैं शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि नगर निगम जो है जगाधरी में अभी सीएम फ्लाइंग के अंदर रेड चलती हुई नजर आ रही, बताया जा रहा था अनियमितताओं को लेकर कुछ जो लोग थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर मिले थे, और कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो हम सबको दे दीजिए इजाजत, ताज़तरीन खबरों के लिए बने रहे आईबीएन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।